मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ किचन में। सो के उठ गई हूँ मैं। बेटा हमारा कल का भीग है बारिश में, तो उसको खांसी आ रही है। रचित को खांसी, अभी खांसी भी बहुत आ रही है, सो रहा है बेटा। अर्णव, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। ये हमारा किचन, तो साफ करना पड़ेगा। कप भी रखना है, रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं आज जा रही हूँ चने की भाजी बनाने। तो मैंने कांदा और लहसुन छील के ले लिया है, और अभी मैं चने को धोऊंगी। तो ये कुकर ऐसे ही पड़े थे, तो इसको मैं थोड़ा सा, मतलब बचा हुआ दाल था तो रात का दाल बचा था उसको मैं फेंक दे रही हूँ। और ये बेसन में डाल देती हूँ, थोड़ा सा मतलब फूल जाता है ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं कुकर को भिगा के रख दी हूँ बेसन में, और अभी मैं लहसुन और कांदा का जो छिलका था, मतलब अभी जो मैंने छिला था ना, वो छिलका ऐसे ही फ्लोर पे पड़ा हुआ था, तो उसको उठा के मैं कचरे में डाल दी हूँ, कचरे का मतलब डस्टबिन में डाल दी हूँ। और अभी मैं ये प्लेट धो रही हूँ, क्योंकि मुझे भाजी थोड़ा सा आलू काटना है, तो इसी प्लेट से मैं भाजी ढकती भी हूँ और इसी में काट के रखूँगी, मतलब आलू की कटिंग करके इसमें ही रखूँगी। और फ्रेंड्स आज हमारा, तो फ्रेंड्स आज मैं काफ़ी सैड हूँ, क्योंकि आज मेरा फिर से पति से पंगा हो गया है। आए दिन हमारा होता रहता है, पता नहीं कैसी और किस लगन में हमारी शादी हुई है। और अभी अभी वो आप देखे होंगे किचन में आए थे, तो 2-4 बातें सुनाते सुनाते गए हैं। फिर अभी मैं भी थोड़ा बहुत बोल दी हूँ, तो नाराज़ हो गए और चले गए बाहर। और बाहर जाके पता है क्या करते? तंबाकू खाते। उधर से आएंगे तो हमको दिखा दिखा के खाते, उनको पता रहता है। मतलब पहले तो था, हमारा झगड़ा होता था तो मैं छिनके फेंकती थी, मेरे सामने ऐसे दिखा के खाते थे। ऐसे तो वो छुप के खाते हैं, लेकिन जब झगड़ा होएगा ना तो मुझे दिखा के खाते हैं। तो वो शायद वही लेने गए होंगे और फिर उधर से खाते हुए आएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर जब मैं गुस्से में रहती हूँ ना, तो फिर मैं बोलती हूँ जाओ जो खाना है खाओ, जो करना है वो करो, तो फिर मैं बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना, फिर बाद में जब मेरा मन शांत होता है तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि ये सब चीज़ें खाते हैं। फिर क्या करें, अभी किसी को बदल नहीं सकते। जो चीज़ें, मतलब जो आदत है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने जितना भी खाया पिया जो भी किया, पर अभी बच्चे हैं हम हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, पर नहीं समझते हैं। क्या करें, अभी बोल बोल के मैं भी थक जाती हूँ, तो फिर मैं बोलती हूँ जाओ जो करना है वो करो। तो फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते देखिए मेरी भाजी हो गई है, और मैं ये चाय रख रही हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो वो बाहर गए हैं, लेकिन जब उधर से आएंगे तो उनका गुस्सा लगभग शांत हो गया रहेगा, तो फिर उनको नाश्ता चाहिए रहता है। और अगर मैं चाय ना दूँ ना, तो फिर घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, क्योंकि बिना चाय के वो नाश्ता करते ही नहीं है, तो ऐसा है। और इसीलिए मैं चाय उनके लिए ही बस थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि हम में से कोई चाय नहीं पीता है। और अभी देखिए हो गया है, तो देखती हूँ, नाराज़ होके तो गए, वो कब तक आते हैं, जब आएंगे तो फिर उनको नाश्ता दे दूँगी। फ्रेंड्स मैं आटा बना ली हूँ, देखो गूंथ लिया मैंने आटा को, और मेरी भाजी भी हो गई है, देखिए। तो फ्रेंड्स हो गई भाजी, टेस्टी है, चने की है।
तैयार ना उठा था। अर्णव ए बिट्टू उठ 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 जा उठ जा अर्णव। मम्मी मैंने देखा। ओके उठ जा बेटा जा टॉयलेट कर लो। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनको नाश्ता दे दिया है और ये काफ़ी गुस्से में थे इसलिए मैं जैसे ही अंदर आए तो जो भी दो चार रोटियां हुई थी मैं फटाफट रोटी और चाय इनको दे दी हूँ क्योंकि ये भड़क भी बहुत जल्दी जाते हैं जैसा आपको पता ही है मतलब आए दिन हमारा होता रहता है कुछ ना कुछ तो इसलिए मैं दे दी हूँ। और रचित को भी बिठा दिए क्योंकि रचित खाने में ना बहुत झिकझिक करता है जल्दी वो खाना अच्छे से मतलब खाता नहीं है खाना पूरा फिनिश भी नहीं करता है अगर ये बैठे रहते ना तो उसको थोड़ा डांटते हैं तो खा लेता है पूरा तो इसके लिए मैं रचित को भी इनके साथ बिठा दी हूँ वो खा रहा है। और अर्णव तो अभी तक सो ही रहा था क्योंकि उसको मैं जगाई काफ़ी आप देखे होंगे वो उठा ही नहीं है। और फ्रेंड्स मैं मेरे बेड पे है मैंने बेडशीट नहीं लगाई है तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी सारी बेडशीट कहाँ गई तो ये है फ्रेंड्स क्योंकि बेडशीट हमारी ना एक मैं लगाई थी तो बच्चे और उसके पापा सब लोग क्या करते हैं ना बेड पे ही बैठ कर खाते हैं तो उस पर खाना वाना गिर गया था जूठा तो फिर मैं उसे धो दी और उसके पहले जो धोई थी वो अभी तक सूखी ही नहीं है तो ऐसा हो गया और दो ही बेडशीट है दोनों की दोनों ख़राब हो गई है तो इसके लिए मैं ये बिछाई हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा आप लोग कहोगे कैसा बेड है इसका। तो फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते देखिए मैंने सारे रूम में झाड़ू भी लगा लिया और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं ये जो मेरा अभी दो दिन पहले मैं इडली बनाई थी इडली का मैंने वीडियो नहीं बनाया है लेकिन मैं इडली बनाई थी तो फिर इडली का जो हमारा कुकर है ना वो निकाली थी और मैं जब यूज़ नहीं होता तो मैं इस बड़ी वाली जो हमारा ड्रम है ना मतलब स्टील का इसमें ही रख देती हूँ तो फिर मैं अभी उसमें रखने जा रही हूँ क्योंकि खाली पड़ा रहता है बाहर तो धूल मिट्टी जमा होती है ना इसके लिए मैं अंदर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सारा जो भी सामान मैंने बिखेरा था अरेंज करके हो गया है और अभी मुझे दो तीन काकरोच दिख गए थे यहाँ तो मैं वही हीट लेने गई थी और हीट ला के मैं इधर मार दे रही हूँ क्योंकि हीट के स्प्रे से ना सारे काकरोच मर जाते हैं और ये इन लोग की संख्या बहुत स्पीड से बढ़ती है इसलिए मैं जब भी देखती हूँ मार देती हूँ।